मॉर्निंग सब लोग यहीं आ जाओ हम्म का सेट थ्री राइट यही है ना 25 questions. नया सीरीज फाइव क्वेश्चन है और आपको बता दें नया सीरीज में 2016 में जितना भी सब सीटिंग में एग्जाम पूछा गया सी एच एस एल का वही सारा क्वेश्चन पेपर हम लगा रहे हैं 2016 का ठीक है ये सीरीज खत्म हो जाएगा तो 2017 18 ऐसे हर साल का चला देंगे ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉमन एरर फाइंड आउट कीजिए जो लोग आ जाएंगे पे निकाल लेंगे सेट। ठीक है निकाल लेंगे अंदर से दिक्कत होगी तो एक दो लोग तो आएंगे ही आएंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाओ थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लो आई हाँ हाँ बस 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 आई आस्क द शॉपकीपर डू यू हैव चेंज फॉर ए फाइव हंड्रेड नोट देखो भाई जब तुम बोल रहे हो फाइव हंड्रेड रुपीज नोट तो यहाँ में, में सी में बोलिए कैसे है एरर तो जब आप संख्या लगाते हैं ठीक है संख्या के बाद एक नाउन लगाते हैं और ये दोनों मिलके एडजेक्टिव का, का काम कर रहा होता है तीसरे नाउन के लिए ठीक है एक और किसी नाउन के लिए है ना तो नोट कैसा पांच सौ रुपए का पांच सौ रुपए का तो का के लिए एस के बाद पस लगाओगे कि नहीं लगाओगे है ना बोलो सर हम एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना चाहते तो रुपीस के जगह रूपी कर दो और हंड्रेड और रूपी के बीच में हाइफिन डाल दो तब तो पर है सी पार्ट में है तो आंसर कौन सा होएगा होएगा सी नंबर बढ़ा लो आंसर गलत है तो खुश हो जाओ सवा नंबर बढ़ गया होगा हा ना बोलो फिर कह रहा है कि बताओ कि थिंग्स एज वर्थलेस वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस वर्थलेस का क्या मतलब होता है और डिस्कार्डेड का मतलब होता है लेफ्ट या अबेंडेंड लेफ्ट या abandoned. अब तो तुमको क्वेश्चन ही समझ में आ गया होगा ना आसानी से कि वैसी चीजों को क्या कहते हैं जो यूजलेस समझ के छोड़ दी गई है है ना थ्रो कर दी गई है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है रखने का ठीक है बहुत सारी चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं या फिर घिस पिट जाती हैं कि अब काम में नहीं आ सकती हम लोग उसको फेंक देते हैं राइट बहुत सारे इंसान भी हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि अब हमारे काम का नहीं है कुछ महान लोग अपने बूढ़े माँ बाप को फेंक देते हैं वृद्धाश्रम में घर से निकाल देते हैं समझ करके कि अब वो यूजलेस हो गए हैं अब उनका कोई फायदा जीवन में नहीं है बहुत महान लोग ऐसे होते हैं ठीक है थेके? तो खैर देखिए पहला ऑप्शन है रिमेन्स रिमेन्स का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा ठीक है बचा हुआ हिस्सा को यदि एक वर्ड में आप कहें तो अवशेष तो आप जरूर कहेंगे कहेंगे कि नहीं कहेंगे मत कहिए आपकी मर्जी ठीक है दूसरा है फ्लॉटसम यह बड़ा अच्छा सा वर्ड है आंसर तो यही होगा कैसे होगा हम समझा देते हैं आपको ठीक है फ्लॉटसम कहा जाता है पानी वानी का जहाज जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है टूट टूट के मलबा के रूप में बिखर जाता है हवाई जहाज तो फ्लॉट कर रहा है पानी में सम है तो क्या वो कोई काम कर रहा क्या लोग उसको छोड़ देते हैं यार अब जब पूरा इतना बड़ा जहाज डूब गया यूजलेस हो गया अभी सबका क्या उसी तरह कोई चीज जब यूजलेस हो जाए छोड़ देते हैं तो उसको फ्लॉटसम कहते हैं आंसर तो मिल गया तुमको शैम्बल्स एक जान लो सैम्बल्स ठीक है सैम्बल्स तुमको देखने में इस अंत में दिख रहा है तो दिखने में प्लुरल लग रहा होगा बट एक्चुअली है ये सिंगुलर अव्यवस्थित जगह अव्यवस्थित जगह कोई भी अव्यवस्थित जगह जैसे हम बोल सकते हैं दिस रूम इज ए सैम्बल्स शैम्बल्स बोलो एक क्यों लगा बोले तो कि दिखने में प्लूरल है लेकिन अर्थ में क्या है भैया सिंगुलर है और हैवक. हैवक तुमको अकेले नहीं आएगा, ये है ना कोरोना हैज प्लेड हैवक फॉर द होल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड पूरे देश की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही मचा के रख दिया कोरोना राइट right है कि रॉन्ग है जी बोलो वाकया बात है वाक्य बात है तो आंसर तो तुमको मिल गया ना सेकंड का सेकंड थर्ड भी देखोगे क्या अच्छा देख लो कितनों भी गौर से देखोगे इसमें कोई एरर नहीं मिलेगा तुमको आई सेल्फ थिंक दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज बायस्ड मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये जो जांच पड़ताल है ना बायस्ड है बायस्ड यदि कोई जांच पड़ताल के बारे में बोला जा रहा है तो निष्पक्ष होकर नहीं किया गया है मतलब किसी ना किसी एक के फेवर में वो चीज चला गया है बायस्ड है है तो ना वन साइडेड है Vized है तो वन साइडेड है uh, मैं देखिए देखिए यहां पर जो है सेल्फ है है ये ये एक क्या बोलते हैं प्रोनाउन है. और इम्फेटिक प्रोनाउन का खासियत ये होता है कि जिस भी नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करता है उसके जितना पास रहे उतना स्ट्रॉन्ग emph होगा तो मैं खुद को सोचता हूं या मैं खुद सोचता हूं मैं खुद सोचता हूं हमको कोई बोलता नहीं है ये बात हमको कोई कान नहीं भरता है. मैं खुद ही सोच लेता हूँ तो मैं खुद आई माइ सेल्फ बेस्ट है वो जगह अब थिंक के बाद माई सेल्फ लिया गलत नहीं होगा लेकिन एक बेस्ट को हटा के बेटर लाना कहाँ का इंसाफ है बताइए ये तो समझिए नंबर साफ हो जाएगा इंसाफ तो नहीं होगा बाकी तो आप लोग समझदार अभी भी नहीं अब कोरोना चला गया आधा से ज्यादा नया कोरोना नया कोरोना आ गया ब्लड फ्लू ब्लड फ्लू, फ्लू बोल रहे बर्ड फ्लू आ गया अभी भी नहीं सावधान तब अब आ? अच्छा तो मतलब तब अब तो सावधान हो जाइए और समझदार हो जाइए हाँ कि ना क्वेश्चन नंबर चार की तरफ चलिए ईच बॉय गिवेन एट देखिए ईच के साथ नाउन सिंगुलर होता है ना है कि नहीं है वर्ब भी सिंगुलर होता है ना है कि नहीं है वाज़ वर्ब है तो वी थ्री हो अरे कहा चला गया यार रुक जाइए जरा सा घसक गया क्वेश्चन मेरे सामने से बोला कि हम घसकेंगे हम बोले नहीं नहीं ऐसे मत करो है ना बोला कि जो है बाज के बाद धीथ्री होना चाहिए हम बोले ठीक है रख लो भाई तुमको मर्जी है तुम्हारा तुमको कैसे रोकेंगे वो भी सही है है कि नहीं है उसके बाद ए टू आई ऑब्जेक्ट है एज ए पार्टिंग गिफ्ट ए पार्टिंग गिफ्ट गिफ्ट सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है उसके पहले पार्टिंग जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है तो ए का यूज भी क्या ठीक है कोई बात नहीं है गिफ्ट के लिए रिलेटिव रियन भी चलाया है और मेड देम हैप्पी देम किसके लिए आ गया है ईच बॉय के लिए आया है पूछिए तो उसका तबियत ठीक है ना है खराब है ना तबियत ठंडा मार दिया ना वहां पे एक्चुअली होना क्या चाहिए था हिज किस पार्ट में एरर है तीसरा आंसर होगा कि नहीं होगा बताइए क्या ये सब करते रहता है क्वेश्चन नंबर पांच भी देखिएगा क्या देख लीजिए आप भी क्या याद कीजिएगा रिमार्केबल जिस सहजता के साथ वो काम को मैनेज करती है प्रशंसनीय सहजता सहजता तो कोई काम सहजता के साथ आदमी करता है तो ईज के साथ करता है वहां पर नाउन की जरूरत है काम कंफर्ट नाउन है ठीक है ना द कंफर्ट विथ विच ईज विथ विच भाई दोनों एकदम बराबर का टक्कर दे रहा है ठीक है अब हम कुछ नहीं कर सकते बोलिए ऐसा सेटिस्फैक्शन के साथ कोई काम को परफॉर्म नहीं करता सेटिस्फैक्शन काम करने के बाद आता है तो उसको जो है लेना कोई उचित नहीं है लेकिन दिसकंफर्ट के साथ जिस ईज के साथ वो करती है वो प्रशंसनीय है तो कम्फर्ट भी सही है और ईज भी सही है भाई साहब लेकिन काम करने में जब किसी को कठिनाई नहीं हो रहा होता तो कम्फर्ट नहीं वो ईज होता है जब सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो जब वो बैट घुमा के छक्का मारते लगता है कितना आसानी से बैठवा घुमाए छक्का चल गया आप उतरिए क्रीज पर तो आपको नानी दादी सब याद आ जाएगी राइट है कि छक्का मारना इतना आसान भी नहीं जितना लगता है तो जो आसान बना देता है काम को और काम को आसान सहजता दिखाते हैं, वो ईज होता है ये सब ये सब जो फीलिंग्स का बात है जो कि एग्जाम्पल और सिचुएशन से ही क्लियर हो सकता है नियम से क्लियर नहीं होगा बाकी आप कहिएगा तो हम क्वेश्चन नंबर सिक्स में बढ़ेंगे हा? काम मतलब शांत एडजेक्टिव है ठीक है काम डाउन शांत हो जाओ नहीं तो कामली हो जाएगा शांति से बोलेगा तो क्या हो जाएगा कामली हो जाएगा विनोद कामली वाला कामली नहीं है ना देखिए भाई अब जब कामली बोले तो मेरे मन में एक वर्ड और आ रहा है हमको सिखाना ही सिखाना है नहीं सिखाए नया सिखाना सिखाना है देखिए एक होता है c a l m भाई ठीक है एक होता है c o m e l भाई कमली 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 गाना सुना किसका गाना सुना धूम धूम धरीए आमिर खान और कैटरीना कैफ तो ये जो कमली है ना ब्यूटीफुल है क्या है? ब्यूटीफुल है मतलब सुत्थर है हाँ और कामली है ना पीसफुली है शांति से है तो जो कमली है सीओ ये एडजेक्टिव है और जो कामली है वो एडवर्ब है देखिए कितना का फर्क पड़ जा रहा है फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है नए बोलते हैं वाह क्या बात है वाह क्या बात है बताइए क्या बात है क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है नरेशन चेंज करो भाई बाहर क्या है सेड है ना ठीक है तो अंदर कहीं पर भी बता दीजिए विल होगा क्या नहीं तो जितना मे वाला है सबको छाट दीजिए एक को बचवे करेगा दो जो परफेक्ट नहीं है लेकिन क्लोज है है ना जो आपको सिखाया गया उसके हिसाब से माइट होना चाहिए लेकिन माइट की जगह वुड भी काम करेगा क्योंकि हम लोग ऐसा उम्मीद जता रहे भगवान आपकी आ, क्या कर दे शांति दे दे, दे दे उसको है ना तो जो है सो की जो प, डिपार्टेड है हाँ अब हमको नहीं पता है एंटोनिम करने का ठीक है, है भाई इन कोई चीज करते हो, तो अंदर डालते हो तो निकालोगे बाहर एक्सक्रीट कर दोगे गल्प करते हो तो भी क्या करते हो अंदर डालते हो निगलते हो नहीं एनगल्फ नहीं है गल्प है गल्प है निगलना कोई लिक्विड फूड ये सब है ना पूरा घोट घोट के खा जाना अब एक वर्ड है स्लग स्लग कहा जाता है घोघा को घोंगा जो है बहुत फास्ट एनिमल है घोंगा बहुत फास्ट एनिमल है। नहीं है फिर बतकट्टी तो घोंगा क्या है बहुत ताकतवर है बोल रही हाँ <laughs> बहुत स्लो है बहुत स्लो है ना तो उसी तरह एकदम जो एकदम स्लो टाइप आदमी रहता है ना उसको भी हम लोग स्लग कहते हैं ठीक है ए वेरी स्लो पर्सन ए वेरी स्लो पर्सन हाँ या ना बोलिएगा नहीं कोई बोलते हमसे हम वाह वाह क्या बात है चग क्या होता है चग चग कुछ तो होता होगा कोई भी मशीन घर 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 आवाज करता है तो घर घराना को चग कहते हैं चग किसको कहते हैं घर घराना खास करके कोई मशीन इंजन वगैरह जब घर घर आता है तो उसको क्या कहते हैं बंधु चग कहते हैं बोलिए क्या बात है आगे बढ़ा वा दें वाह क्या बात है वाह क्या बात है ठीक है जैसे अगर हम पीछे जा करके इसको अंडू नहीं कर सकते हैं लिखल का मिटा क्यों यदि हम नहीं मिटाए होते तो नंबर बहुत बढ़ रहा है क्या नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है खुशी हो रहा है सबको क्वेश्चन नंबर एट में चलिएगा क्या नहीं आज चलवे कीजिए आज छोड़िए हटाइए है ना क्वेश्चन नंबर एट टुडे हाउ एवर वेन वन इन फोर अच्छा पारा जंबल है जी तो देखिए वन इन फोर रूरल इंडियंस एंड वन इन सिक्स अर्बन इंडियंस नहीं लगता है कि आर से शुरू कर दीजिए तो एक तेरी तरीके ढकनी तुम लूट के ले जाओ ना सेकेंड ऑप्शन मिल गया वाह क्या बात है क्यू भी सेट हो जाएगा ना वन इन रूरल इंडियंस एंड वन इन सिक्स अर्बन इंडियंस इज पुअर हालांकि होना चाहिए था वो आर है ना आवर चांसेस ऑफ बींग रॉन्ग इन आइडेंटिफाइंग द पुअर आर फार ग्रेटर वाह का बात है एकदम सही हो गया दूसरे नंबर आंसर होगा कोई मैया के लाल बुलू उजला पीला नहीं रोके जा रहा क्वेश्चन नंबर नाइन भी देखिएगा आज देख लीजिए फैंस क्यू का मतलब कतार भी होता है कतार में खड़ा होना भी होता है ठीक है यहां पर फॉर द कंसर्ट टिकट सिंस अर्ली मॉर्निंग ठीक है अर्ली मॉर्निंग अब भाई यहां पर आप फैंस प्लुरल दिए हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं होगा सिंगुलर वर्ब हैज तो नहीं होगा हैड क्यूड का तो कोई सेंस नहीं बनेगा तो मिला जुला के कुछ ही हो गया थर्ड नंबर आंसर बोलिए हाकिना हाकिना बोलिए वाह वाह क्या बात है दसवां में भी चलिएगा नहीं चलना है आज चल वे करेंगे आज हम लोग आज चाहे जे हो जाए ओ डब्ल्यू एस है ना ओ डब्ल्यू एस है ना वाह क्या है डब्ल्यू एस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो देखिए कहता है बिकम अपेरेंट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना ठीक है थ्रू द एपियरेंस ऑफ सिम्टम्स सिम्टम्स सामने आता है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।, तो है तो बीमारी में जब लक्षण सिम्टम्स सिम्टम्स बने लक्षण सिम्टम्स तो हो जाता है और बीमारी दिखाई पड़ने लगता है तो लक्षण बोलते हैं मैनिफेस्ट कर रहा है क्या कर रहा है मैनिफेस्ट कर रहा है आंसर तो मिलिए क्या तो बाकी को छोड़ के पड़ जाए क्या डील कर ले डील कर ले डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है अलग भिन्न होता है ना एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है विजिबल बोलिए दृश्यमान दृश्यमान मतलब जो दिखाई पड़ रहा है हाँ विद्यमान भी बोल सकते हैं ठीक है ठीके? और डाइवर्ज रिवील्ड प्रकट है हा ना बुलिये हाँ कि ना बोलिएगा बोलिए हां कि ना वाह वाह क्या बात ग्यारह सिनोनिम दिनो स्प्लिंटर देखिए भाई स्प्लिंटर जो होता है किसी भी लकड़ी वकड़ी का पतला सा टुकड़ा होता है ना चीरा मार के उसको निकालते हैं तो चिप कहलाता है कहलाता है कि नहीं कहलाता है सिगरेट या पेंसिल में जो छोटा लास्ट में टुकड़ा बच जाता है वो क्या कहलाता है स्टब शेयर मने हिस्सा होता है फ्रिक्शन मने घर्षण होता है राइट है कि रॉन्ग है आंसर तो भी मिल गया वाह क्या बात है फिर से बारह जम्बल आ गया ना वाह वाह क्या बात है इन दैट केस ए भाई जब इन डेट के बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड सिंपली से शुरू हुए तो वाला दो को है दूसरा और चौथा एलिमिनेट हो गया हो गया ना या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा है ना अब आर के बाद पी होगा कि क्यू होगा जी हाँ देखिए पी होगा आर के बाद पुट टुगेदर वुड सिंपली पुट टुगेदर वुड है है ना तो फिर भी वन आना चाहिए तो पुट टुगेदर पी है तो आर के बाद पी मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया भाई फर्स्ट ऑप्शन नंबर बढ़ रहा है क्या ढो ढकनी सबका आंसर गलत नहीं था ना लेकिन शुरुआती गलत से हुआ था आंसर पहला क्वेश्चन का आंसर गलत था कल बताया जो गया था आज हम जब अभी हम एक्सप्लेन किए हैं तब सही हुआ है। ठीक है हम आंसर खोल के रखे हुए सामने दिखा रहा है एक का चार दिखा रहा है उसमें ठीक है हम जो लिखे तो उसको काटल है हम हम शायद पूरा घुचपिछा के काटल है वाह क्या बात है वाह क्या बात है तेरह नंबर क्या करने का था एडियम से क्या वाह क्या बात है वाह क्या क्या था क्वेश्चन क्या था, था पढ़िए हाँ, इस उस मामले इन दैट केस उस स्थिति में आगे पढ़िए हाँ कोई भी जो सिविल कोड है वो सिंपली क्या करेगा पुट टुगेदर करेगा किस चीजों को पुट टुगेदर मतलब एक साथ लेके आएगा इकट्ठा करेगा हाँ जेंडर जस्ट मतलब लिंक के आधार पर न्याय मतलब क्या है कि और भी बहुत सारे कोर्ट जो है जेंडर के आधार पर सही न्यायपूर्ण फैसला दिए होंगे उनको एक साथ लाएगा उसके रेफरेंस से फैसला देगा क्लियर है बात हार्ट ऑन योर स्लीवस है ना स्लीव्स कहा जाता है जो है आपना हार्ट को इसमें लेके चलिए मतलब क्या है कि दिल खोल के हर किसी को दिखा रहे हैं तो दिल खोल के दिखा रहे हैं मतलब अपना बात सबको बताते जा रहे हैं है ना तो वन हुस हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव इज नोन एज क्या उसको बोल सकते हैं बड़ा हल्का टाइप का आदमी है सबसे अपने मन की बात कह देता है कौन सा है देखिए तो थर्ड होगा मेक फीलिंग्स एपेरेंट एपेरेंट मतलब होता है क्लियरली विजिबल ठीक है का मीनिंग देते हैं कि किसी के काम आ जाएगा किसी के काम जो आ जाए क्लियरली विजिबल सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग अब हम क्या करें सीओ डबल एम होगा ना कमांडो में कूलेंट्स का स्पेलिंग सही है कूलेंट्स कहा जाता है शीतलक को शीतलक समझते हैं जो इंजन या किसी चीज को चलते चलते गर्म होने पर ठंडा करने के लिए कूल करने के लिए डाला जाता है जैसे देखते रेडिएटर लगा रहता है उसी में से पानी होके जाता रहता है इंजन ठंडा होता है तो भी खुद पानी भी क्या है एक तरह का कूलेंट है लिम्फॉइड के स्पेलिंग में एल वाई होना चाहिए ठीक है लिम्फॉइड एक प्रकार का खास तरह का टिश्यू होता है अब इसके बारे में डिटेल के लिए बायोलॉजी टीचर से पूछ लीजिएगा हिंदी से खाली नहीं होगा वो कहां पर रहता है इसके बारे में टीचर से पूछिए थोड़ा ठीक है ना क्या काम है क्या फंक्शन है उस टिश्यू का कहा रहता है अच्छा उसको जोड़ने के लिए हम ऐसा कुछ लिम्फ से हम ऐसा सोच रहे थे कि लिम्फ का मतलब होता है एडेसिव टाइप चीज तो लिम्फॉइड है तो मतलब है कि वो कुछ जोड़ने का काम करेगा आपने इसको क्लियर कर दिया कि हड्डी और मांस को पुट टुगेदर करता है वो नहीं रहेगा तो मांस अलग फिसल के निकल जाएगा हड्डी पर टिकेगा नहीं है ना आ, बड़ा अच्छा बात है परमिटेड होना चाहिए था एम के बाद यू नहीं आई परमिट से बना परमिट मतलब अनुमति दिया देना अब परमिटेड यदि कोई चीज है तो उसका अनुमति दिया हुआ है हाँ कि ना चलिए आगे बढ़ाते हैं एक वर्ड है गैरिश गैरिश का मतलब होता है क्या आ, गैरिश का मतलब स्पैरटन स्पैरटन का मतलब होता है सरल सीधा साधा ठीक है सरल और सीधा साधा गैरिश का मतलब होता है पूरा तड़क भड़क वाला इतना तड़क भड़क अच्छा भी न लगे मतलब माफ किया हुआ। फॉर का मतलब होता है सभ्य और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर देखिए स्पार्टन का देखिएगा तो एग्जैक्ट कोई साइनोनिम्स आपको नहीं मिलेगा लेकिन हाँ तीसरा को आप मान सकते हैं क्लोज बात समझ में आ रही है हा ना बोलो जी आगे बढ़े सिक्सटींथ में जाएंगे सेवेंटींथ में जाएंगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे वाह वाह चलिए सिक्सटींथ में चल रहे हैं ठीक है सिक्सटींथ में द डायरेक्शन फेल्ड टू अंडरस्टैंड द डॉट 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 बिहाइंड द डिसीजन टू सस्पेंड द मैच द डायरेक्टर फेल्ड डायरेक्टर समझ नहीं पाया कि मैनेजर को सस्पेंड करने के पीछे क्या पॉइंट था तो कोई काम के पीछे का पॉइंट को उस काम का रेशनेल या तर्क कहते हैं ठीक है कहते ना कि क्या पॉइंट है यार तुम ऐसे क्यों किया ठीक है तो क्या तर्क है क्या लॉजिक है इसके पीछे तू तो लॉजिक क्या कहलाता है रेशनेल कहलाता है बाकी बिलीफ मतलब तो विश्वास या मान्यता होता है पॉलिटिक्स राजनीति होता, होता है आइडियोलॉजी विचारधारा होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन तो देखने के लिए तैयार है आप लोग वेन इट्रेन इट पोर्स पोर्सिडियम्स का क्या मतलब होता है देखिए जनरली लोग इसको बोल देते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है वो होता है अच्छी स्थिति के लिए हिंदी में कहावत कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है लेकिन जब भेनिट्रेन सिट पोर्स बोलते हैं बुरी स्थिति के लिए मुसीबत आती है तो चारों तरफ से ठीक है अब बताइए कौन वाला है हाँ वेन समथिंग बैड अकर्स जब कोई बुरा चीज होता है इट यूजुअली अकर्स मोर देन वंस एक से ज्यादा बार होता रहता है एक बार ही गड़बड़ गड़बड़ हो हो गया एक बार हो गया ऐसे सीरीज चल जाता है बहुत बार आप लोग लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे और हम मेरे साथ तो ऐसा होता ही है एकदम अक्सर कि हाँ जहां एक बार मामला गड़बड़ाया जाता फिर तो एक दो गो तीन गो चार गो लगातार सीरीजे चल जाता है ठीक है तो सत्रह का चार है ये तो लगता है कि क्वेश्चन सेट करने वाला जान रहा था कि उदय शंकर सोनी एक दिन इसको सॉल्व करवाएगा दो एक क्वेश्चन ऐसा है बी में है कैलेमिटी ऑलवेज अकर्स इन बैड टाइम्स ये भी बहुत अच्छा क्लोज है ठीक है कि ये जो है आपदा आती है तो हमेशा बुरे समय में तो आती है तो आपदा आया है तो बुरा समय ही होगा तो हमको लग रहा है कि चार ज्यादा है ठीक है बोले कि सर इसका क्या उपाय है नहीं इसका कोई उपाय है? नहीं ऐसे देना ही नहीं चाहिए ऑप्शन नहीं समझे बात इस तरह से बकवास तरीके से ऑप्शन देने का कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप ऐसे ऑप्शन दीजिए अठारह ना क्या करने का था अठारह में कहता है इसका भैंस चेंज कर दीजिए यही कर रहा है ना डार्क क्लाउड द इवनिंग स्काई तो हैज बीन ओवरकास्ट होगा बाज ओवरकास्ट तो नहीं होगा हैज बीन ओवरकास्ट दूसरा में है बाय द डार्क क्लाउड यही होना चाहिए क्योंकि बाकी में तो फिर ओवरकास्टेड हो गया वाज ओवरकास्ट एकदम खत्म हो गया सेकंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन भी बहुत आसान बना दे रहा है क्वेश्चन को नहीं बना दे रहा है इसमें 19 नंबर द एंटोनिम ऑफ का मतलब डरा देना, डरा देना देना बहुत ज्यादा आतंकित कर देना ठीक है एफराइट -right तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एफराइट -right का भी मतलब होता है डरा देना फ्राइटिन एफराइट -right का क्या मतलब होता है फ्राइटिन ये ये दिक्कत है ये दिक्कत है हैं करके सुद का मतलब क्या हो गया फिर से एक बार बोल देते हैं हॉरीफाई डरा देना एफराइट भी डरा देना फ्राइटन होगा कि नहीं होगा होता ही है होगा क्या पेट्रीफाई भी होता है हॉरीफाई डरा देना एपॉल भी होता है डरा देना ये तीनों साइनोनिम्स हो गया एपॉल से ही बना है अपॉलिंग अपॉलिंग मतलब भयावह अपॉलिंग लुक है ना और सूद मतलब राहत पहुंचाना तो ये क्या हो जाएगा फिर से गड़बड़ा दिया <laughs> यार क्या है यार ऐसे मत करो भाई चलिए ठीक है सूद मतलब राहत पहुंचाना बीस नंबर में भी आपको कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग बताइए नंबर में करेक्ट स्पेलिंग बताने है पी आई डबल एल ए जी ई ठीक है एक अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है और वर्ब भी के रूप में यूज होता है वर्ब के रूप में लूटमार करना हिंसा फैलाना ठीक है आप पिलिज पी आई डबल एल ए जी ई पिलिज खाली बोलते हैं तो लूटमार होता है क्या होता है लूटमार बात समझ में तो नहीं आ रही होगी वाह वाह आ रही है

पेलनेस में देखिए पेल से बना पी एल ई पेल मतलब पीला होता है है ना बीमार वाला पीला हल्का पीला को पेल कहते हैं और उसमें एन ई डबल एस लगाइए पेलनेस पीला पन पीला पन है ना तो ये डबल एस लगता तो सही हो जाता लेकिन गलत है अब ब्लॉटिंग में डबल टी होता है ब्लॉटिंग पेपर नहीं जानते हैं सोखता कागज तो आंसर कौन सा हो गया बंधु फर्स्ट हो गया 21 से 25 तक उसके बाद आपको कहता है कि आप कर दीजिए कर दीजिए ना वो है ना जरा सा नहीं ज्यादा हो जाएगा थोड़ा छोटा ये बड़ा दिक्कत है कभी कभी अच्छा कोई बात नहीं लीजिए वर्ड्स गिव रियलिटी टू लाइफ बिल्कुल सही बात है वर्ड्स जो है जीवन में वास्तविकता का समावेश करते हैं सम डू बेटर कुछ वर्ड ज्यादा रियलिटी दिखा देते हैं कुछ दूसरों के बनिस्पत में ऑफरिंग क्या नुएंस क्यों क्योंकि हमारे लिए परेशानी बन जाता है यह वाला यूज करें कि वाला यूज करें एज इन ट्वेंटी शेड्स ऑफ ग्रे अब ग्रे का ही बीस शेड है ठीक है अब वो 20 सेड को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि 20 वर्ड आ गया है तो सोचिए कि कितना दिक्कत होगा रिलेट करना जबकि एक ही ग्रे खाली बोल दिया हल्का ग्रे अब गाढ़ा ग्रे मामला खत्म हो जाता लेकिन 20 वर्ड आ करके कितना दिक्कत दे दिया दिमाग को कि उस सब ग्रे के साथ उसके वर्ड को भी दिमाग में रखो है कि नहीं है तो इसलिए इसको क्या कहा गया नुएंस कहा गया हा है ना दे डू नॉट डॉट 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 डिस्क्राइब रियलिटी दे डू नॉट जस्ट डिस्क्राइब रियलिटी ये जो शब्द होते हैं ये सिर्फ रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं दे क्रिएट इट वो रियलिटी को क्रिएट कर देते हैं गिविंग इट कलर डेफ्थ एंड फॉर्म हां की नहीं बजाय सी बात हो बीस गो ग्रे का जो शेड दिया गया उस सबके लिए बीस शब्द है तो खाली रियलिटी थोड़ी बता रहा है कि ग्रे है हर ग्रे का क्या डेफ्थ है क्या शेड है क्या फॉर्म है वो सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं अपने आप में हर एक वर्ड ठीक है नहीं समझे बात डॉट डॉट वट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन सो बट वट बट बट ऑल वट आई एम इंटरेस्टेड इन हेयर इज टॉकिंग अबाउट जस्ट वन वर्ड विच रिवील्स ए ग्रेट डील अबाउट इंडिया बट ऑल का मतलब एक्सेप्ट ऑल सब चीज को किनारे करो जिस बात में मैं इंटरेस्टेड हुआ बात करने में जिस टॉपिक पर वो एक वर्ड है जो इंडिया को बहुत हद तक डिफाइन कर देता है ठीक है कौन सा शब्द है तुम सोचो द वर्ड टेल्स अस अबाउट इट्स पॉलिटिक्स ये जो वर्ड है यहां इस वर्ड खाली एक वर्ड से यहां का पॉलिटिक्स भी पता चल जाता है यहां का सोशल लाइफ पता चल जाता है यहां के कम्युनिटीज के बारे में पता चल जाता है और किसके बारे में पता चल जाता है बताओ ऑप्शन बोलो हाँ। और कम्युनिटीज के बाद खालिस्तान दिया है ना नहीं दिया है अच्छा फुल स्टॉप है उसके बाद खालिस्तान है ना हाँ नो 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 होना चाहिए नो दैट वर्ड इज नॉट जुगाड़ नहीं नहीं वो वर्ड जुगाड़ नहीं है इट इज क्लोज उसी के क्लोज है बट द वर्ड इज मतलब मतलब ही बोलो पॉलिटिक्स यहां मतलब ही है सोशल लाइफ में लोग मतलब ही है कॉम्युनिटीज में लोग मतलब ही है तो पूरा इंडिया एक ही बार में डिफाइन हो गया कौन से वर्ड से मतलब ही वर्ड से बाकी तो आप लोग समझदार है ये ठीक है इसको कहते हैं एकदम एक वर्ड में इंडिया को डिफाइन कर दिया मतलब हम लोग ऐसा है सोचना पड़ेगा ठीक है तो आज का क्लास हम रिकॉर्ड किए हैं डायरेक्ट लाइव नहीं किए हैं ठीक है मेरा एनर्जी कम था थकान था और थकान नहीं था फीवर भी था तो हमको लगा कि यहीं से कर लेते हैं खड़ा होंगे तो एनर्जी कम हो जाएगा तो इसको डाल दिया जाएगा जो लोग देखेंगे वो देखेंगे उनको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे धन्यवाद